हेलो फ्रेंड, मैं हर्ष आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ट्रू अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मध्यकालीन भारत के इतिहास के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक वीडियो लेक्चर मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ाया जा चुका है, जिसमें हम लोगों ने भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में जाना था। तो फ्रेंड, बिना देर किए चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर और समझते हैं महमूद गजनवी के बारे में। फ्रेंड, मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, और इससे पहले भी एक 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 वीडियो लेक्चर मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ाया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था भारत पर अरबों का आक्रमण, भारत पर अरबों का आक्रमण, और आज हम लोग पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। और 11 टॉपिक है फ्रेंड। पहला टॉपिक जो है भारत पर अरबों का आक्रमण, ये पढ़ना है। फिर दूसरा पढ़ना है महमूद गजनवी के बारे में, फिर मोहम्मद गौरी के बारे में, फिर सल्तनत काल के बारे में, फिर विजयनगर साम्राज्य के बारे में, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में, सूफी आंदोलन के बारे में, भारतीय आंदोलन के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में, मुगल शासन व्यवस्था के बारे में और मराठों के उत्कर्ष के बारे में। फ्रेंड, तो बिना देर किए चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर और समझते हैं महमूद गजनवी के बारे में। पहला प्रश्न फ्रेंड, गजनी कहाँ स्थित है? तो गजनी एक शहर है फ्रेंड, जो अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो गजनवी राजवंश की स्थापना अल्पतगिन ने किया था। अगला प्रश्न है, सुबुकतगिन कौन था? तो सुबुकतगिन जो था अल्पतगिन का दामाद था। सुबुकतगिन ने कब गजनी पर अपना अधिकार किया? तो 977 ईस्वी में सुबुकतगिन ने गजनी पर अपना अधिकार किया। सुबुकतगिन के मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? सुबुकतगिन के मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो उसका पुत्र महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था फ्रेंड? सुबुकतगिन नाम था। अगला प्रश्न क्या है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक महमूद गजनवी था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक महमूद गजनवी था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण क्यों किया था? तो सोमनाथ के मंदिर में रखे अपार धन को लूटने के लिए महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी द्वारा किए गए भारत पर आक्रमण सर्वाधिक प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा है? तो उत्तर होगा इसका फ्रेंड, सोमनाथ के मंदिर पर किया गया आक्रमण। महमूद गजनवी द्वारा किए गए भारत पर आक्रमण सर्वाधिक प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर किया गया आक्रमण है। सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात के काठियावाड़ जिले के समुद्री तट पर स्थित है। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो वास्तविक उद्देश्य धन का प्राप्ति था, भारत से धन को लूट कर ले जाना था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? तो महमूद गजनवी की मृत्यु फ्रेंड 1030 ईस्वी में हुई। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, शाहनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो शाहनामा पुस्तक की रचना फिरदौसी ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत आक्रमण के समय महमूद गजनवी के साथ कौन कौन से विद्वान भारत आए थे? तो अलबेरूनी आया था, उत्तबी आया था, बैहाकी आया था और फिरदौसी आया था। अगला प्रश्न है, शाहनामा किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तो शाहनामा फ्रेंड फारसी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी कवि अलबेरूनी। और अगला प्रश्न है, अलबेरूनी कौन था? तो अलबेरूनी वे प्रसिद्ध इतिहासविद, गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, खगोल शास्त्री एवं दर्शन शास्त्री थे, जो भारत आक्रमण के समय महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अगला प्रश्न है, मूर्ति भंजक और बुद्ध सिकन किस शासक को कहा गया? तो महमूद गजनवी को कहा गया। मूर्ति भंजक और बुद्ध सिकन महमूद गजनवी को कहा गया।
महमूद गजनवी को अमीन उद दौला तथा अमीन उल मिल्लाह की उपाधि से किसने विभूषित किया था? तो बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उपाधि से विभूषित किया। फ्रेंड, अगर जो आप लोग को मेरा पढ़ाया वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।